अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में एकाएक ही बदमाश बेखौफ हो गए हैं। कंकड़खेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज को गोली मारने की घटना के बाद अब एक कपड़ा कारोबारी की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में चार बदमाश पिस्टल लहराते हुए और वहां मौजूद लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबारी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल कोतवाली इलाके के भगत सिंह मार्केट में कपड़ा कारोबारी बाबू की दुकान है। बुधवार को बाबू अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी चार बदमाश वहां घुस आए। सभी ने पिस्टल निकालकर उनसे 5 लाख रुपए की मांग की। मांग पूरी न होने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस आशय की जानकारी बाबू ने कोतवाली पुलिस को दी है। इस घटना के पीछे शाकिर गैंग का हाथ बताया जा रहा है। देखे सीसीटीवी में कैद हथियारों के दम पर कारोबारी को धमकाते हुए बदमाश। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।